चिड़ावा शहर में हुई चोरी के 24 घंटे के अंदर दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में एक दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को दे चुके थे अंजाम। चिड़ावा पुलिस ने आखिरकार चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। खुलासा 24 घंटे में ही कर दिया गया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पकड़ में आए दोनों चोरों ने एक दर्जन से अधिक चोरी की वारदात को कबूला है। दिलचस्प बात यह है कि एक आरोपी जो पकड़ में आया है वो दीवार पर जिस आसानी से चढ़कर वारदात को अंजाम देता है उससे पुलिस भी हैरान है। चिड़ावा थाना अधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि 20 जनवरी को कबूतर थाना पर वर्मा क्लॉथ स्टोर पर हुई चोरी की वारदात के 24 घंटे भी नहीं बीते उससे पहले 25 वर्षीय नवीन जाट निवासी ओष्टू, 30 वर्षीय संदीप उर्फ चिंकारा जाट निवासी अड़ावता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में बताया कि चिड़ावा में मुख्य बाजार में स्थित सागर संगम, कृष्णा गारमेंट्स, चौधरी कॉलोनी, अड़ावतिया कॉलोनी, टीवी टावर, गोकुल कॉलोनी, विकास नगर, सूरजगढ़ बाईपास समेत चिड़ावा कस्बा व सूरजगढ़ इलाकों में करीब 15 चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला है। कल ये सुरेंद्र कुमार वर्मा जिसके कपड़े की क्लोथ स्टोर है यहाँ बाजार में, उसने कल एक रिपोर्ट दी थी कि साहब 20 तारीख को रात्रि को अपनी दुकान को बंद करके गया था और कल आकर के उसने दुकान को चेक किया तो उसके पीछे से ऊपर से जो जीना है उसके अंदर से कोई अज्ञात व्यक्ति घुस करके उसके गले में रखे हुए कुछ पैसे और सामान ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया और थाने की अलग अलग टीमें गठित की गई। बाज़ार में आसपास कॉलोनियों में कैमरों की छानबीन की गई तो हमने दो व्यक्तियों को पकड़ा। संदीप उर्फ चिंकारा रहा सभी चोरियों का मास्टरमाइंड, पुलिस ने खंगाले थे 350 से अधिक सीसीटीवी फुटेज। चिड़ावा पुलिस की पकड़ में आए संदीप उर्फ चिंकारा चिड़ावा और सूरजगढ़ क्षेत्र में हुई करीब 15 चोरियों की वारदात का मास्टरमाइंड रहा। संदीप पर चिड़ावा व बगड़ थानों में करीब 6 मामले दर्ज हैं। थाना अधिकारी इंद्र प्रकाश यादव से जब मीडिया ने पूछा कि छत पर जाकर किस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम देते थे तो उन्होंने बताया कि ये किसी साधन का इस्तेमाल करने के बजाय संदीप को छत पर चढ़ने का अच्छा खासा अभ्यास है। अभ्यास ऐसा कि सीधे पेड़ पर भी संदीप चढ़ सकता है, इसी का फायदा संदीप उठाता था, छत पर आसानी से पहुंच जाता था। संदीप और उसकी गैंग सुने मकान व दुकानों की रेखी करते थे। जिन भी मकानों के आगे ताले लगे हुए होते थे उनकी रेखी कर वारदात को अंजाम दिया जाता था। बढ़ती चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोरियों की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने करीब 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। दो व्यक्तियों को पकड़ा जिसमें एक तो संदीप उर्फ चिंकारा है जो अड़ावता का रहने वाला है और दूसरा नवीन है जो श्यामपुरा मैनाना का रहने वाला है, जो वो भी अड़ावता की और ओजीटू के बीच में सरहद में रहता है, किसी कुएं के ऊपर ज़मीन लेकर के खेती कर रहे हैं। इन लोगों को हमने पकड़ा, इनसे तफ्तीश की गई तो इन दोनों लोगों ने इस घटना को वारदात देना कबूल किया। इनसे और पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कस्बे की चौधरी कॉलोनी, टीवी टावर कॉलोनी, बाज़ार में जैसे पहले 6 दुकानों में चोरी हुई थी वो, उनके अलावा कस्बे के कई जगहों पे इन्होंने कम से कम 15-16 चोरियां की वारदात करना कबूल किया है। अब इनको कल न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड लिया जाएगा और माल बरामद किया जाएगा और अन्य जो वारदातें हैं उनका खुलासा किया जाएगा, उनमें भी माल बरामद किया जाएगा और अन्य वारदातों के संबंध में इलाका थाना हाजा व अन्य किसी थाना इलाका में भी कोई इन्होंने वारदात की होगी उनके संबंध में भी पूछताछ किया जाएगा।